हेलो दोस्तों, बिहार सर में आप लोग को स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पहली बार आए हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने क्या है आहूजा का छोटा सा सेटअप लिया हुआ है। वैसे तो क्या दोस्तों नया तो नहीं है, ठीक है। नया लेने के लिए आप लोग को पता है मेरे पास क्या बजट है, और मैंने क्या दोस्तों सेकेंड हैंड में लिया हुआ है। और उसके साथ साथ तो मैंने क्या उसमें क्या नाम बोलते हैं उधारी पे लिया हुआ है, ठीक है। और वो उधारी अपना एम्पलीफायर कैसा है, कौन सा है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और उस एम्पलीफायर दोस्तों क्या मैंने एक बुकिंग भी अटेंड कर लिया है, ठीक है। तो मुझे देखना था कि ये जो एम्पलीफायर जो है कैसा है, कहीं आपने वीक तो नहीं हो गया, कमजोर, मतलब पार्ट्स वगैरह क्या दोस्तों वीक हो जाने पर क्या आवाज़ थोड़ा फटाफट आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा है कि नहीं, मैं वो भी उस अपना देखना भी था। तो मैंने एक बुकिंग भी किया, एक कीर्तन बुकिंग में वो मैंने इस्तेमाल किया हुआ। और उस बुकिंग के दौरान मैंने कौन सा जो है कितना बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जो कितना माइक इस्तेमाल किया हुआ दोस्तों, वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाए रहना। तो ये एम्पलीफायर जो अभी मैंने परचेस किया हुआ है, ये आहूजा का ये मॉडल पर आप लोग देख रहे हैं ये, ठीक है। तो SA 250 DB, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों मैंने दाएं बाएं मतलब देखा, फिर अंदर भी खोल के साफ सूफ करने की कोशिश किया, ठीक है। तो उसमें दोस्तों ये पता चला कि अभी तक उसके ऊपर किसी ने हाथ नहीं दिया है। और एक बुकिंग के दौरान भी दोस्तों बजाएं तो आवाज़ मतलब रिस्पॉन्स भी ठीक ही लगा, ठीक है। तो मैं तो ये तो नहीं बोल सकता कि जब तक दूसरा इसके बराबर क्या दोस्तों नहीं बजाएंगे 250 वाट का, तब तक ये तो नहीं बोल सकता कि ये नया की तरह बजता है। लेकिन मेरे लिए दोस्तों ठीक है, चलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से उसने रिस्पॉन्स दिया है। और बुकिंग के दौरान, उस बुकिंग के दौरान दोस्तों इसके ऊपर क्या इस एम्पलीफायर के अंदर ऊपर मैंने एक ही बॉक्स इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जो है दोस्तों आहूजा का ये भी साथ में लिया हुआ है, साथ में लिया हुई, ठीक है। ये भी एक स्पीकर है और ये भी एक है। तो दोस्तों ये क्या है 12 इंची है, 12 इंची 200 वाट है। और ये भी 12 इंची 200 वाट, दो ऐसा लिया हुआ है और इसके साथ, ठीक है दोस्तों उधारी पे। और उस बुकिंग के दौरान मैंने ये जो है एक बेस दिया हुआ, बेस नहीं एक स्पीकर दिया हुआ है 200 वाट का। और उस ऊपर वाले में दोस्तों हॉर्न दो इस्तेमाल किया हुआ है। और वो मिक्सर तो आप लोग को पता ही है मिक्सर क्या काम करता है, ठीक है। तो उस बुकिंग में मैंने 3 माइक इस्तेमाल किया हुआ दोस्तों, ठीक है। ये है गायक के लिए JBL का, ये दोस्तों ये माइक मैंने इस्तेमाल किया हूँ। और ये भी क्या है गायक के लिए इस्तेमाल किया हूँ दो, ठीक है। तो उनका डिमांड 3 ही माइक का था, बाद में उनको महसूस हुआ कि 3-4-5 हो जाना चाहिए था, ठीक है। और उसके साथ क्या दोस्तों ये जो है मैंने इस्तेमाल किया है इस माइक को ढोलक के लिए, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों अभी तक ये कौन सी कंपनी है क्या है मुझे उतना नहीं पता चला, क्योंकि पहले नाम था दोस्तों, नाम मिट गया है, ठीक है। ये GTS की तरह भी लगता है और सेनेजर की तरह भी लगता है ये, लेकिन इसको दोस्तों मैंने ढोलक पे इस्तेमाल किया है। तो मेरे लिए तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी ढोलक के ऊपर ऐसा क्या मैंने आज तक माइक इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन है तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोग क्या दोस्तों कॉमेंट अपना क्या है साउंड सुन के आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना है कि अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, ठीक है, जरूर कमेंट करके बताना। और ये भी बताना कि आप लोग ढोलक के लिए दोस्तों कौन सा आप ये लोग इस्तेमाल करते हो, और ढोलक के लिए बेस्ट कौन सा माइक है जो सस्ते में, ठीक है। तो दोस्तों उसके ऊपर भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो और क्या है अभी मैं आप लोग को जो बुकिंग का वीडियो जो है इस वीडियो में थोड़ा ऐड कर दूँगा, आप लोग कॉमेंट कर जरूर बताना। और वीडियो को भी दोस्तों अच्छा लगे तो क्या लाइक कर देना, और इस तरह वीडियो आप लोग को देखते रहना है तो क्या करना पड़ेगा तो दोस्तों आप लोग को पता है, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। पर्वत के बीच में बैठा है।
Oh.